हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा म्यूज़िक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी स्काई इन योर हार्ट का पार्ट नंबर 4। गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, साथ में कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए तो हम अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हमें आगे दिखाया जाता है, जो ड्याओ होता है वो रूम में जाता है फा के। फा सोया रहता है तो यहाँ पे ड्याओ उसे उठाने लगता है और कहता है, तुम्हें अपने काम पर जाने के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? यहाँ पे उसे फा कहता है, थोड़ी देर मुझे और सोने दो। यहाँ पे चेक करता है टेबल के साइड में तो वाइन का ग्लास रखा रहता है। ड्याओ उसे उठा के देखता है और कहता है, आजकल तुम बहुत ज़्यादा पीने लगे हो, ये तुम्हारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालेगा, इतना मत पिया करो। क्या तुमने अपनी हेल्थ का चेकअप कराया है? यहाँ पर फा उससे कहता है, मुझे ये सब कुछ कराने की क्या ज़रूरत है, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ। ड्याओ उससे कहने लगता है, जल्दी उठ जाओ वरना तुम अपने काम के लिए लेट हो जाओगे, मैं अपनी क्लास के लिए जा रहा हूँ, उठ जाना। यहाँ पे फा उससे कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं उठ जाऊँगा। हम देखते हैं जैसे ही रूम से बाहर जाता है ड्याओ, फा उठ जाता है और अपने ब्लैंकेट को उठाता है तो वहाँ पे उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसके साथ उसके कुछ रोमांटिक मोमेंट्स यहाँ पे दिखाए जाते हैं। सो गाइस, एक्चुअली यहाँ पे ये सब कुछ ड्रीम होता है जो कि उस विलेज में रह के देख रहा होता है फा, और वो नींद में होता है और बेबी बेबी बोल रहा होता है। लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती है एक वियर्ड सी आवाज़ से। जैसे वो देखता है अपने सामने तो वहाँ पे एक पिग होता है जिसे देख के वो डर जाता है और कहता है, ओ माय गॉड, ये मेरे रूम में कैसे आया? तभी हम देखते हैं उसके रूम में आ जाता है प्रिंस और उस पिग से कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा मालिक तुम्हें ढूंढ रहा है। यहाँ पे प्रिंस उसे काफ़ी प्यार से बात करता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ पर उसे रुकता है फा और कहता है, पहले तुम मुझे ये बताओ, ये मेरे रूम में कैसे आया? प्रिंस उसे बताता है कि ये बच्चों का पेट है, वो लोग इसे घुमाने के लिए यहाँ पे लाए होंगे और ये गलती से तुम्हारे रूम में आ गया। फा उससे कहता है, ठीक है इसे अपने साथ लेके जाओ और मुझे अपनी नींद पूरी करने दो। वो फिर से सोने लगता है। यहाँ पर प्रिंस उसे कहने लगता है, तुम्हें याद भी है आज क्या है? आज तुम्हें विलेज के लोगों का हेल्थ चेकअप करना है, तो जल्दी उठ जाओ। फा यहाँ पे कहता है, मुझे अच्छे से याद है लेकिन वो आज नहीं है। प्रिंस उससे कहने लगता है, आज कौन सी डेट है? फा कहता है, आज 6 डेट है। यहाँ पे उसे कहने लगता है प्रिंस, नहीं आज 9 है और आज ही हेल्थ चेकअप है। यहाँ पे उसे कहता है फा, तुम कैलेंडर चेक कर सकते हो, आज 9 नहीं 6 है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो कैलेंडर होता है वो उल्टा होता है, जिसकी वजह से फा को लगता है कि आज 6 डेट है बट एक्चुअली में डेट 9 होती है। यहाँ पे दिखाता है प्रिंस उसे कि तुम्हारा कैलेंडर उल्टा था, अब देखो डेट क्या है आज। तो ये देख के हैरानी से उठ जाता है फा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपने क्लिनिक में बैठ के फा सभी का चेकअप कर रहा होता है। कुछ पेशेंट्स आते हैं उन्हें चेक करता है, साथ में बच्चे आते हैं उनका वेट वगैरह करता है। और यहाँ पे जो होती है याया, वो तो कहने लगती है, मुझे बहुत गर्मी महसूस होती है, आई फील वेरी हॉट। यहाँ पे उसे फा चेक करने लगता है और कहता है, लेकिन तुम्हें तो फीवर नहीं है। याया मानती नहीं है और उसे कहते, मेरी बॉडी को टच करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे कितना हॉट फील हो रहा है। यहाँ पे उससे कहने लगता है फा, क्या तुम धूप में खड़ी होके आई हो? तो यहाँ पे चुप हो जाती है याया। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वो जो बच्चों का वेट कर रहा होता है वो प्रॉपर तरीके से मशीन पे खड़े नहीं हो रहे होते। वो फोर्सली कहता है, अरे अच्छे से खड़े हो, लेकिन वो बच्चा मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ पर आ जाता है तभी प्रिंस और उस बच्चे को डांटता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि स्कूल के बाहर तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तो तुम यहाँ पर डॉक्टर की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तो यहाँ पे फिर वो बच्चा प्रॉपर तरीके से बात मानना शुरू कर देता है डॉक्टर फा की। यहाँ पे प्रिंस उसे कहता है, मुझे पता था यहाँ पे तुम्हें कुछ लोग परेशान करेंगे, इसलिए विलेज के चीफ ने मुझे यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा था। यहाँ पे ये देख के स्माइल करने लगता है फा। हम देखते हैं वहाँ पे कुछ और ड्रंक टाइप के पेशेंट भी आते हैं आप कह सकते हैं, जिनका वहाँ पे वेट वगैरह लिया जाता है और वो यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब हरकतें भी करते हैं जो काफ़ी फनी लगता है। सो आगे हम देखते हैं लंच टाइम हो जाता है। यहाँ पे प्रिंस उसे कहने लगता है, तुम अपना लंच कर लो, लेकिन फा मना करता है और कहता है, मैं कंटिन्यू चेकअप करूँगा, ऐसा करो तुम जाके लंच कर लो। यहाँ पे उसे कहने लगता है प्रिंस, नहीं मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फा कहने लगता है प्रिंस से, अगर तुम प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारे पास एनर्जी नहीं रहेगी काम करने की। यहाँ पे उसी बात को बोलने लगता है प्रिंस फा से भी कि तुम्हारे लिए भी यही रूल लागू होता है, अगर तुम भी खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारे पास भी एनर्जी नहीं रहेगी काम करने की। और यहाँ पे कहने लगता है प्रिंस, तुमने तो सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। फिर हम देखते हैं यहाँ पे उसकी बात मान लेता है फा और कहता है, ठीक है हम लोग लंच कर लेते हैं। यहाँ पे उसे लंच देता है प्रिंस और कहता है, ये विलेज के चीफ ने भेजा है तुम्हारे लिए। यहाँ पर बहुत ध्यान से उस लंच बॉक्स को देखता है फा और कहता है, ओ
यहाँ पे फिर कहने लगता है बट ये काफ़ी स्पाइसी होगा और स्पाइसी फूड मैं नहीं खा पाता। कहने लगता है यहाँ पे फा जो तुमने मेरे लिए उस दिन खाना बनाया था ऑमलेट और राइस, मुझे वो काफ़ी पसंद आया था। प्रिंस उसे कहने लगता है ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, हमें खाना खाना चाहिए। फा कहता है हाँ सही कहा, उसके बाद हमें बहुत सारा काम भी करना है। तो वो लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं लंच करने के लिए। आगे हमें दिखाया जाता है मीसा को वॉशरूम के बाहर खड़े हुए, जो कि जीजे को आवाज़ दे दे के बुला रहा होता है। हम देखते जीजे वॉशरूम से बाहर आता है तो वहाँ पर आ जाता है फा भी। यहाँ पे उसे पूछने लगता है मीसा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो आज हेल्थ चेकअप था ना। यहाँ पे उसे कहने लगता है फा आई नो दैट, मैं यहाँ पे वॉशरूम यूज़ करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे वो दोनों कहने लगते ओ। यहाँ पे पूछने लगता है जीजे फा से क्या तुम प्रिंस को लाइक करते हो, फा मना कर देता है। यहाँ पे फिर कहता है जेजे क्योंकि मीसा लाइक करने लगा है प्रिंस को। यहाँ पर हम देखते हैं जो होता है मीसा वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करने लगता है प्रिंस की। जेजे कहने लगता है कि ये दोनों साथ में बच्चों को पढ़ाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और इसे उससे प्यार हो गया है। यहाँ पे कहने लगता है मीसा वो कितना क्यूट है ना। यहाँ पे उसे कहता है फा क्यूट और वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, बच्चों के साथ भी और मेरे साथ भी। यहाँ पे मीसा कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो इतना भी अकड़ू नहीं है। मीसा कहता है कि आज तुम उसके साथ काम कर रहे हो ना, तो क्या तुम मेरे लिए ये पता लगाओगे कि उसकी लाइफ में कोई है या फिर नहीं। फा उससे कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं नहीं करने वाला ये सब काम। यहाँ पे उसे ब्लैकमेल करने लगता है मीसा और कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें अपना फ़ोन नहीं देने वाला, अब तुम्हें मेरा फ़ोन नहीं मिलेगा। यहाँ पे फा कहता है अरे ऐसे मत बोलो। मीसा कहता है अब जब तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपना फ़ोन नहीं दूंगा, अब तुम्हें फ़ोन नहीं मिलेगा तो तुम अपने प्यारे भाई से बातें कैसे करोगे। और उसे कहता है सोचो सोचो क्या करना है तुम्हें। आगे हमें दिखाया जाता है फिर प्रिंस को जो कि वहाँ पर काम कर रहा होता है क्लिनिक में, और फिर वो कहने लगता है फा से कि आई थिंक अब कोई और पेशेंट बाकी नहीं रहा है तो मुझे जाना चाहिए। वो वहाँ से जाने लगता है, फा उसे रोकता है और कहता है अभी एक पेशेंट बाकी है। प्रिंस पूछता है कौन, फा उसकी तरफ मिरर करता है और कहता है जो पर्सन इस मिरर में नज़र आ रहा है वो, उसका चेकअप अभी करना बाकी है। यहाँ पे प्रिंस उसे कहने लगता है तुम मुझे डायरेक्ट भी तो बोल सकते हो, ऐसे प्रटेंड करने की क्या ज़रूरत थी। फा उसे कहता है चेयर लेके यहाँ पे बैठ जाओ, वो बैठ जाता है यहाँ पे उसका चेकअप करना शुरू करता है फा। फा उसे कहता है ओपन योर माउथ, यहाँ पे उसके टीथ वगैरह चेक करता है और कहता है ये सब कुछ तो ठीक है, चलो अब मैं तुम्हारे हार्ट को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे जो होता है ना फा उसकी हार्ट बीट सुनने के लिए उसके हार्ट को चेक करने लगता है और वो ना उसके टी शर्ट के अंदर हाथ डालने लगता है, तो यहाँ पे उसे रोकता है प्रिंस और कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। फा उसे कहता है तुम्हारी हार्ट बीट सुननी है, अगर टी शर्ट के ऊपर से सुनूंगा तो क्लियरली सुनाई नहीं देगी। प्रिंस उसे कहता है लेकिन औरों की तो तुमने टी शर्ट के ऊपर से ही हार्ट बीट सुनी थी। यहाँ पे उसे कहने लगता है फा हाँ क्योंकि उनका नॉर्मल चेकअप था लेकिन ये तुम्हारा स्पेशल चेकअप हो रहा है। यहाँ पे उसे काफ़ी अजीब तरीके से देखने लगता है प्रिंस। फा उसे कहता है क्यों क्या हुआ, क्या तुम्हें साई फील हो रहा है। प्रिंस उसे कहता है ऐसी बात नहीं है, बस मैं सोच रहा हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। प्रिंस कहता है जल्दी चेक करो। यहाँ पे फा चेक करने लगता है, अब उसकी धड़कने सुनते सुनते यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो से जाते हैं।